कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते, वोट लेने के लिए राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू-तू मैं-मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए, हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए हमें गाली गलौच नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम स्कूल अस्पताल बिजली पानी तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल अस्पताल बिजली पानी ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर रहे हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, आपके पतन पक्का है उसको।